नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लंगड़ी बुखार है पशुओं की एक घातक बीमारी। गुलाब की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाली बीमारी लंगड़ी बुखार की समस्या के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं करा पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली बीमारी ब्लैक क्वार्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ब्लैक क्वार्टर जैसे ही बीमारी की बात आती है तो इस रोग का जो प्रकोप रहता है वो बरसात के समय ज़्यादा रहता है। और बरसात के समय भी अगर अपन एक विशेष चीज़ पे गौर करें कि ये ऐसे पशुओं में होता है जिसमें शरीर के पिछले पैर या जो कहना चाहिए मोटा मोटा हस्तपुष्ट पशु रहते हैं, विशेषकर बैल और सांडों में ये बीमारी ज्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बीमारी की बात आती है तो अपने दिमाग में ये बात आता है कि ऐसी बीमारी है पशु की जिसमें पशु के शरीर के पिछले पैर या ये कहें कि ऐसे पैर जिन पर पे मांस की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा मांसल होते हैं, इन पैरों में जब कभी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट में एक एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम प्रजाति का वो उसमें ग्रोथ कर जाता है और जिसके कारण पशु के उस पैर में सड़न पैदा हो जाती है। उस सड़न की वजह से अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अपने को ऐसा, अगर उस जगह को दबा के देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसमें कोई गैस भरी हुई है, एक टिपिकल क्रिपिटेटिंग साउंड आती है, तो उसकी वजह से अपन ये पहचान कर सकते हैं कि हाँ साहब, इसमें पशु के इस भाग में सड़न पैदा हो रही है, गैस सी भरी हुई है। तो जब ये सड़न पैदा हो जाती है और इसको अगर पशु चिकित्सक द्वारा समय से इलाज नहीं किया जाता है तो उस परिस्थिति में ये होता है कि हमारा पशु का वो पैर हमको काटना पड़ता है, क्योंकि गैंग्रीनस कंडीशन बन जाती है। तो अपन लोग बहुत आसानी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कटे हुए पैर का पशु हमारे किस उपयोग का रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा पशु अगर अपन देखें तो वास्तव में बेकार हो जाता है, हमारे उपयोग का नहीं रहता है। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फेनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए, साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि रोग जो रोगी पशु होता है उससे स्वस्थ पशु को भी फैल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को ये करना है, यदि हमें किसी पशु में एक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको स्वस्थ पशुओं के झुंड से अपने को सेपरेट कर देना है। यदि ऐसा पशु हमारा किसी कारणवश मृत हो गया है तो उसके जो फोमाइट्स हैं, जो उसकी बेडिंग मटेरियल है, उसके पीने के बर्तन हैं, पानी के बर्तन हैं, और क्या नाम है, उसका भूसा चारा जो भी चीज़ें हैं, उनको पहले तो हमें प्रयास ये करना चाहिए उनको निस्तारित कर दें, फेंक दें। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में है और तो उसको प्रॉपर डिसइनफेक्शन या सैनिटेशन के द्वारा साफ स्वच्छ करने के बाद ही अन्य पशुओं को दें। ऐसे पशु का निस्तारण भी अपने को प्रॉपर तरीके से करना है, उनको
जमीन में गड्ढे खोड़ के अपन गाड़ सकते हैं, जिससे कि बीमारी का फैलाव अन्य स्वस्थ पशुओं में नहीं होगा। देखिए, इलाज के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सिंपल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का उपचार किया जाता है। पशु चिकित्सक द्वारा 4 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगने पाए, और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। इस बीमारी से यदि बचाना है तो इसके लिए अपने को वर्षा पूर्व टीकाकरण इस बीमारी के लिए करवाना पड़ेगा। इस वर्षा पूर्व टीकाकरण में ये जो टीका है ब्लैक क्वार्टर डिसीज का, ये आपका सरकारी पशु चिकित्सालयों में मुफ्त उपलब्ध रहता है। तो अपन समय से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के करीब करीब 1-2 हफ्ते पहले यदि इस बीमारी का टीकाकरण करा लेते हैं तो हमारे पशु निश्चित रूप से इस बीमारी से बच जाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का स्टूडेंट्स को तोहफा, 5 लाख छात्रों को साइकिल की राशि की ट्रांसफर। भोपाल में सीएम राइज स्कूल का किया भूमि पूजन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, दल बदलने वाले नेताओं का कहा सौदागर। पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशान। सतना में गेहूं खरीद केंद्र पर बड़े घोटाले का खुलासा, सिर्फ कागजों पर हुई खरीदी। स्व सहायता समूह की 14 महिलाओं और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मामला दर्ज। चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट हो गई जारी, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान भाई गुलाब की खेती करने लगे हैं, लेकिन वे गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्य जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि को सही समय पर उचित तरीके से करेंगे। तो आप इन सब कार्यों को कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही है कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा जिला विदिशा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खर पतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई जरूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खर पतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पर निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खर पतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खर पतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है, ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं, और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है
तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है, तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है, तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटे भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, टू स्पॉटेड माइट्स, बीटल, जापानी बीटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बीटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मीठा क्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी, दो चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं, पुष्प का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग या एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है, सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को बरसात के मौसम में अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काट कर जला दे, साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजीत 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि कटिंग प्रूनिंग जिसको कहते हैं समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Fifteen languages.
बीजेपी की पहली लिस्ट पर बोले पार्टी नेता, छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। सीएम ने साधा निशाना, कहा बीजेपी उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे कोई कमाल। जगदलपुर में कांग्रेस का संकल्प शिविर, सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं में तरा जोश। विधायकों को दिए चुनावी टिप्स, बोले चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतेगी पार्टी। अंबिकापुर में लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम के काफिले को ग्रामीणों ने रोका, सड़क खराब होने से ग्रामीण परेशान, 10 दिनों में मरम्मत का मिला आश्वासन। कोरबा में एसीबी पावर प्लांट में हादसा, बॉयलर फटने से मची सनसनी, हादसे में 5 मजदूर घायल, अस्पताल में कराया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों के दौरान मौसम की स्थिति मध्यम वर्षा और बादल छाए रहने की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, या 50 SP काटाब हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए थायमेथोक्साम 0.35 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च व खरीफ प्याज की बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें व कीट व्याधि की सतत निगरानी करते रहें। अगेती फूलगोभी में डायमंड बैग माथ कीट के नियंत्रण के लिए जैविक फफूदनाशक विवेरिया बैसियाना 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में तना व फल छिदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसिड 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने के लिए तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें, और अतिरिक्त वर्षा जल भराव न हो सके इसके लिए जल निकास की व्यवस्था करें। वर्तमान में खरीफ फसलों में कहीं कहीं पर हरी एवं भूरी अर्धकुंडलक इल्लियों का प्रकोप मिल रहा है। भूरी इल्ली का सिर पतला एवं पिछला हिस्सा चौड़ा होता है एवं पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। इसके दोनों ओर धारी होती है। इल्ली छोटी अवस्था में पत्तियों को खुरच कर खाती है और बाद में कलियों, फूलों एवं नई फलियों को खाकर नुकसान करती है। नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा व साफ रखें व मक्खियों से बचाव के लिए पशुशाला के फर्श पर नियमित सफाई के बाद फिनाइल का छिड़काव करें। इस समय गाभिन भैंसों और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा फेनवेंडाजॉल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से खिलाएं। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब में अनावश्यक जीव जंतुओं और अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुगड़ी जिला हरदा के किसान राम स्वरूप ने। आप गेंदा की स्वस्थ नर्सरी पौध तैयार करने पर जानकारी चाह रहे हैं, तो राम स्वरूप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेंदा के काफ़ी उपयोग हैं, खासकर इसके माला बनाने के लिए इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल वर्ष भर फूल देने के कारण इसकी बाजार में मांग भी अधिक रहती है, क्योंकि जिन महीनों में कोई अन्य फूल नहीं मिलते हैं उन दिनों में भी गेंदा के फूल आसानी से मिल जाते हैं। गेंदा के फूलों का उपयोग पूजा, सजावट, इत्र, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसल है। इसकी खेती से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। तो गेंदा, क्योंकि जो भी जो गरीब से लेकर अमीर तक इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको गरीब का पुष्प भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि गेंदा की नर्सरी, गेंदा की जो पौधशाला है वो हम कब तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार करेंगे और कैसे हम स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेंदा की दो तरह की किस्में होती है, एक अफ्रीकन गेंदा, दूसरा फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा हम बोलते हैं जिसके पुष्प का आकार बड़ा हो, जिसमें लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का आकार के हों, साथ ही जो पौधे छोटे आकार के होते हैं वो फ्रेंच टाइप गेंदा होता है। तो इसकी बहुत सारी अच्छी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं, खासकर हम बात करें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, अर्का अग्नि। तो ये जो हम कलर के आधार पे अथवा हम किस आकार के हमें पुष्प चाहिए उस आधार पे हम इनका चयन कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि हमें पौधशाला हम कब तैयार करें। तो हम, क्योंकि गेंदा को हम साल के 12 महीने में उगा सकते हैं, खासकर हम तीन मौसमों में इसको उगाते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश। सर्दियों में जो हम गेंदा उगाते हैं उसकी हमें पैदावार अधिक मिलती है, और दूसरे जो मौसम में यदि हम गेंदा लगाते हैं तो उसकी जो पैदावार कम मिलती है। लेकिन यदि कोई शादी ब्याह है अथवा कोई दूसरे त्यौहार है तो उनके अनुसार यदि हम गेंदा लगाएंगे तो हमें इससे अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेंदा के जो भाव है वो प्रति किलो लगभग 100 रुपये किलो तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जब हम पौधे तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें, इसके बाद दो बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं, और फिर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना ले। क्यारी आप ऊंची उठी हुई बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा करने से पौध में कीट रोग का प्रकोप तो कम होता है, साथ ही नर्सरी में विभिन्न कृषि कार्यों को करने में भी आसानी रहती है। तो जब हमने जमीन अच्छी तरह से तैयार कर ली, क्यारियां हमने तैयार कर ली, तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें उसमें लगभग 5 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबरी खाद भी डाल देनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमें स्वस्थ बीजों का चयन करना बड़ा आवश्यक होता है। इसके जो बीज होते हैं वो चटकीले काले रंग के होते हैं, जिनको हम एकेन कहते हैं। यदि हमें पूर्ण विकसित यदि बीज नहीं मिले तो उनका अंकुरण कम होता है, अतः जब भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक तो बीज अधिक पुराने नहीं हो, यदि एक वर्ष से ज़्यादा पुराने बीज होंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है, साथ ही ये बिल्कुल काले रंग के हो तो उससे क्या होगा कि उसको ये माना जाता है कि बीज पूर्ण रूप से जो मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा होता है। जब भी हम बात करते हैं इसके बीज दर की तो हमें मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जनरली हम प्रति एकड़ 200 से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज का चयन करते हैं। उसके पश्चात जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई करने से पहले हमें फफूंद नाशी दवा अथवा ट्राइकोडर्मा, जो वीडी अपना कल्चर आता है, उसे 5 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा, अथवा जब यदि हम कार्बेंडाजीम वगैरह यूज करते हैं तो 2 ग्राम प्रति की जी के हिसाब से हमें उनसे भी बीज उपचारित कर लेना चाहिए। जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो हमें बीजों की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी लगभग 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की हम रखते हैं, और जो बीज से बीज की दूरी, क्योंकि बीज इसका बड़ा बारीक होता है और हमें बीज से बीज की दूरी मेंटेन करने में बड़ी समस्या आती है, तो हम कई बार किसान भाई इसमें जो बलुई मिट्टी होती है वो भी मिला देते हैं। हमें जो बीज से बीज की दूरी लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की हम रखते हैं, तो उससे जो अपने को बड़ा हेल्दी अच्छी ओज वाला पौधा हमें मिल जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम बीजों की बुआई पौधशाला में करते हैं तो बीज अधिक गहराई पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक गहरे बीज बो देंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमें 1 से 2 सेंटीमीटर ही बीजों की गहराई रखनी
ज़रूरी होती है। जब हम लाइनों में इसकी बुआई कर देते हैं, उसके बाद में हमें उसके ऊपर जो अपना अच्छी सड़ी गोबरी खाद है वो लाइनों में हमें ऊपर उनको बिखेर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन अपना आसानी से हो जाता है, साथ ही उसमें नमी भी बनी रहती है। उसके बाद में हमें झाड़ी की सहायता से हमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके ऊपर किसी घास फूस की परत से हमें ढक देना चाहिए, जिससे जो बीज चींटी वगैरह है वो बीज को नहीं लेके जाए और नमी के कारण बीजों की अंकुरण भी अच्छा हो जाता है। जब 25-30 दिन की पौध हो जाए उसके बाद में हम मुख्य खेत में ले जाके इसका रोपण कर देते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामुजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadataMP@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889213 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच